अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपनी हर वीडियो में आपको अपनी गिजा को समझकर खाने की तलकीन करते हैं। अगर हम अपनी गिजा को समझकर खाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल शेनेस कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो किया है ये कस्टार्ड डी एप्पल, कौन कौन से हैरान किन सेहत के फवायद हैं इसमें, किस किस बीमारी में हम खा सकते हैं। किस्टर्ड एप्पल, जिसे चेरीमुया बे और पाकिस्तान में शीर यफा भी कहा जाता है, एक मीठा और मज़ेदार फल है जो आपकी सेहत के लिए बहुत से हैरानकिन फ़वाइद रखता है। इनमें से कुछ ये हैं। किस्टर्ड सेब में एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार ज़्यादा होती है जो आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और आपको ऑक्सीडेटिव तनाव, सोजिश और दायमी बीमारियों से बचाते हैं। किस्टर्ड सेब विटामिन सी से भरपूर होता है जो आपके मुदाफती निज़ाम, जल्द की सेहत और जख्मों को भरने में मदद करता है। किस्टर्ड सेब गिजाई रश का एक अच्छा जरिया है जो हाजमे में मदद करता है, कब्ज़ा को रोकता है और आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है। किस्टर्ड सेब विटामिन B6, मैग्नीशियम और पोटाशियम का एक मुफीद जरिया है जो आपके आसाबी निज़ाम, पट्टों के काम और ब्लड प्रेशर के जाबिते के लिए अहम हैं। किस्टर्ड सेब में आयरन होता है जो खून की कमी को रोकता है और आपकी तवानाई की सतह को बढ़ाता है। किस्टर्ड एप्पल में करीमी साख्त और एक मीठा जायका होता है जो अनानास और स्ट्रॉबेरी के मुरक्कब से मिलता जलता है। इसे ताज़ा खाया जा सकता है या शेक, आइसक्रीम और स्मूथीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोजिश को कम कर सकता है। फल में ऐसे मरकबात होते हैं जिनमें सोजिश के खिलाफ खसूसियात होते हैं और ये आपके जिस्मी सोजिश को कम करने में मदद कर सकते हैं। दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है। चेरीमुया पोटाशियम से भरपूर है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। आँख की सेहत को सहारा दे सकता है। फलों में विटामिन ए होता है जो सेहतमंद बीनाई को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। खून में शुगर की सतह को मुनज्जम करने में मदद कर सकता है। चेरीमुया का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, जिसका मतलब है कि ये खून में शक्कर की सतह में तेज़ी से इजाफा नहीं करता है। मूड को बेहतर बना सकता है। फल में टर्पटूफन एक अमीनो एसिड होता है जो आपके दिमाग में सेरोटोनिन की सतह को बढ़ाने में मदद करता है और आपके मूड को बेहतर बना सकता है। किस्टर्ड एप्पल एक शानदार फल है जिससे आप सर्दियों में लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। ये आपके जिस्म की परवरिश और जायका की कलीम को पूरा कर सकता है। ताहम आपको किस्टर्ड सेब के बीज खाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें जहरीले मादे होते हैं जो ज़्यादा मकदार में खाने से आपके आसाबी निज़ाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम रोजाना कितनी मिकदार में शरीफा यानी किस्टर्ड एप्पल खा सकते हैं। किस्टर्ड एप्पल एक लजीज और गिजायत से भरपूर फल है जिसके सेहत के लिए बहुत से फवायद हैं। ताहम इसमें चीनी और कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, इसलिए उसे एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जराए के मुताबिक आपको रोजाना किस्टर्ड सेब की एक या दो सरोम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा किस्टर्ड सेब खाने से वजन में इजाफा, डायबिटीज, दांतों की खराबी और हाजिमे के मसाइल जैसे से मुजिर असरात हो सकते हैं। सेहतमंद तरीके से किस्टर्ड सेब से लुत्फानंदोज होने के कुछ निकात ये हैं। इन्हें दीगर गिजायत से भरपूर गजाओं जैसे गिरीदार मेवे, बीज और दबली पतली प्रोटीन के साथ मिलाकर खाएं। कोई भी खाना खाने से पहले पानी पिएं ताकि आपको पेट भरने और हाइड्रेटेड महसूस करने में मदद मिले। चीनी और चिकनाई के मवाद को समझने के लिए पहले से पैक शुदा मसनूआत पर लेबल चेक करें जिसमें किस्टर्ड सेब शामिल हों। इन्हें ताज़ा खाएं। किस्टर्ड सेब विटामिन सी, विटामिन बीचे, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फाइबर का एक अच्छा जरिया है, इसलिए एतदाल में किस्टर्ड सेब खाना आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए फायदा मंद साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमें बताएं कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।